हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर ऑफ कैची केमिस्ट्री। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, खास करके सीबीएसई बोर्ड में जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो करेंगे वो है सीबीएसई बोर्ड का क्लास ट्वेल्व का केमिस्ट्री का जो स्पेसिमेन पेपर निकला है टर्म टू के लिए, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन पेपर 21-22 यहाँ पर देख ही सकते हो, बोर्ड से रिलीज किया गया है ये पेपर टर्म टू के लिए, और केमिस्ट्री का ये पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म टू के एग्जामिनेशन के लिए। अगर उसका पैटर्न जानना है या किस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये थोड़ा सा आइडिया लगाना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना। तो यहाँ पर देख ही सकते हो मैक्सिमम मार्क्स जो है 35 है, और ये अगर देख लोगे तो आप अच्छे से ये अगर समझ लोगे कि कैसे सॉल्व होगा ये सब क्वेश्चन, तो एक आइडिया आपको चला आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे जो मार्किंग स्कीम होता है वो कैसे यहाँ पर काम करता है। टाइम जो है 2 आवर्स का है। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है, वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर 12 क्वेश्चन है, सेक्शन ए जो होगा उसमें 1-3 क्वेश्चन में 2 मार्क्स करके होगा, 4-11 जो है सेक्शन बी में होगा और 3 मार्क्स करके होगा, और सेक्शन सी जो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 12 होगा जो 5 मार्क्स कैरी करेगा। हर क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, और ये कंपलसरी जो क्वेश्चन यहाँ पर है उसके अगेंस्ट पे यहाँ पर कुछ कुछ जगह पे और दिया गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे जाके। और लॉक टेबल्स और कैलकुलेटर्स यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो जो कैलकुलेशन होगा वो तुमको खुद ही करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा। तो ये सब तो जानते ही हो गए, बेसिक चीज था, जस्ट मैंने यहाँ पर बोल दिया। तो सेक्शन ए में पहला जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे कि बेंजोइक एसिड, फेनॉल, पिक्रिक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड, पी के वैल्यूज यहाँ पर इंडिकेट करने को बोला है। देखो एक चीज जान लो, के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, मतलब किसी भी चीज का अगर के ए का वैल्यू ज्यादा होगा, के ए मतलब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। पर पीकेए जो होता है वो एसिडिक नेचर के साथ क्या होता है, इनवर्स रिलेशन शो करता है। तो मतलब पीकेए जो होगा जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही कम होगा, तो यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। तो पिक्रिक एसिड जो होता है इसका पीकेए सबसे कम होता है, देन सैलिसाइलिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड और देन फेनॉल। तो यहां पर से पिक्रिक एसिड का पीकेए सबसे कम होता है, इसका मतलब क्या है, इसका एसिडिक नेचर जो है ये सबसे ज्यादा होगा, और फेनॉल का एसिडिक नेचर जो है ये सबसे कम होगा। तो यहाँ पर अगर पीकेए वैल्यू नहीं देके के ए वैल्यू या एसिडिक नेचर के बारे में बोले तो ये उल्टा ऑर्डर तुम लिख सकते हो, और यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है इसलिए लेस देन साइन यहाँ पर दिया गया है। और क्योंकि यहाँ पर पिक्रिक एसिड का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है, क्योंकि पिक्रिक एसिड का अगर तुम स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर, तो पिक्रिक एसिड में ऊपर क्या होता है, एक OH होता है और ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में ऐसे 3 NO2 होता है। अब ये जो NO2 होता है ये माइनस आई इफेक्ट देता है, जो जो ग्रुप देगा तो उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर माइनस आई इफेक्ट जितना देगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, और प्लस आई अगर जो देगा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। तो इसीलिए पिक्रिक एसिड का एसिडिक नेचर यहाँ पर सबसे ज्यादा है, पर पीकेए का वैल्यू सबसे कम है। नेक्स्ट, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, मिथाइल, टार्टब्यूटाइल, कीटोन, यहाँ पर क्या दिया गया है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NH2OH। अब ये NH2OH क्या है, NH2OH एक्चुअली है हाइड्रोक्सिल एमीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और एल्डिहाइड कीटोन का। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ये एमोनिया का एक डेरिवेटिव होता है, एमोनिया का ऐसा बहुत सारा डेरिवेटिव होता है, नाम सुने होंगे, हाइड्रोजिन, हाइड्रोक्सिलेमिन, फिनाइल हाइड्रोजिन ऐसे करके। तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बोला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मिथाइल टार्टब्यूटाइल कीटोन ये सबसे कम रिएक्टिव होता है, देन एसीटोन फॉलोड बाय एल्डिहाइड। सब टाइम पे ऐसे याद रखना कि एल्डिहाइड जो होगा उसका रिएक्टिविटी हमेशा कीटोन से ज्यादा होगा, तो एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। और दो कीटोन में यहाँ पर मिथाइल टार्टब्यूटाइल, जितना बड़ा कीटोन हो जाएगा कीटोन का, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाएगा, कीटोन का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा हो जाएगा उसका रिएक्टिविटी उतना ही कम हो जाएगा। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड से कीटोन का रिएक्टिविटी कम है, एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा है, पर कीटोन में अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाए तो उसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो मिथाइल टार्टब्यूटाइल कीटोन में बड़ा ग्रुप है, यहाँ पर लार्ज साइज का ग्रुप है, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगा।
एसीटोन के रिस्पेक्ट पे, एसीटोन का मॉलिक्यूलर वेट कम है। नेक्स्ट इथानॉल, इथानोइक एसिड और बेंजोइक एसिड, ये बहुत बार बहुत सारे बार पूछ चुका है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर। तो यहाँ पर इथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, फॉलोड बाय इथानोइक एसिड मतलब एसिडिक एसिड, फॉलोड बाय बेंजोइक एसिड। तो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा बीपी भी उतना है ज्यादा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ पर इथानोइक एसिड में भी इंटरमॉलिक्यूलर, बेंजोइक एसिड में भी इंटरमॉलिक्यूलर, पर यहाँ पर एसिड जो होगा उसमें डाइमर फॉर्मेशन होगा। जैसे कि सपोज आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ऐसे यहाँ पर RCOOH ऐसा किया है, और यहाँ पर एक R, तो यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH वाला जो ग्रुप होगा, और यहाँ पर जो ये COOH वाला जो ग्रुप होगा, इसके H और OH के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर डाइमर एक्चुअली फॉर्म जो है ये करता है, तो इसीलिए क्या हो जाता है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज हायर देन अल्कोहल्स ड्यू टू द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास। जो मैंने बोला कि मोलर मास अगर ज्यादा होगा तो बीपी ज्यादा होगा, और अल्कोहल से एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि इसमें डाइमर फॉर्मेशन होता है। बेंजोइक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप पकड़ ले तो ऐसे डाइमर जो है ये फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर टू, सॉल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी, दो इलेक्ट्रोलाइट है और डाइल्यूटेड, डाइल्यूट किया गया है उसको। डेलेम, डेलेम मतलब क्या है, डेलेम मतलब है मोलर कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी इंक्रीजेस 1.5 टाइम्स व्हाइल दैट ऑफ ए इंक्रीजेस 25 टाइम्स। तो बी का जो मोलर कंडक्टिविटी है 1.5 टाइम्स इंक्रीज किया गया है, ए का जो मोलर कंडक्टिविटी है 25 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। विच वन ऑफ द टू इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जस्टिफाई योर आंसर, ग्राफिकली शो द बिहेवियर ऑफ ए एंड बी। तो बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि यहाँ पर बी का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कम हुआ है। तो जिसका मोलर कंडक्टिविटी, जिसका मोलर कंडक्टिविटी, या ऐसा बोल सकते हो कि डेल एम, ये जिसका कम हो जाएगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो जितना कम डाइल्यूट किया जाएगा या जितना कम टाइम्स वो होगा वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसका मोलर कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा उसको ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन, मतलब जितना डाइल्यूट करोगे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। तो मतलब डाइल्यूशन जो होगा जितना ज्यादा होगा मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। एज देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस ऑन डाइल्यूशन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस और इंक्रीज नहीं करता, स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट कर जाता है। तो यहाँ पर देखो रूट सी सुई, मतलब यहाँ पर मोलर कंसेंट्रेशन का रूट लिया गया है, और यहाँ पर एक ग्राफ है ये एनसीईआरटी में भी है, और लैम्डा एम ऐसे करोगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है, और ऐसे कर्व जो लाइन आता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सपोज आपने एग्जाम्पल ले लिया KCl, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपने एग्जाम्पल ले लिया CH3COOH। तो ऐसे करके एक ग्राफ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो ग्राफ से ये क्वेश्चन किया गया है, तो ये मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया। नेक्स्ट तीन नंबर क्वेश्चन, गिव रीजंस, रीजन दिया गया है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। जानते ही होगे एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। जिन जिन्होंने एल्डोल कंडेंसेशन में कोई भी, जिन जिनों को डाउट है, या एल्डोल कंडेंसेशन का वीडियो जिन जिन्होंने नहीं देखा वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है, क्योंकि मैंने वहां पर फुल्ली एल्डोल जो कंडेंसेशन क्या होता है और वहां पर उसका डिटेल मैकेनिज्म भी वहां पर मैंने डिस्कस कर दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट पे। कैनिजारो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्यों एसेंशियल होता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप। कारण कि कोई भी एल्डिहाइड में, क्योंकि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन में ऐसे C डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पर एक R होता है, तो ये R के अंदर एक्चुअली यहाँ पर अगर R हम लोग नहीं लिखे समझने के लिए, इसको अगर हम लोग ऐसे C मान के चले, सपोज CH3, तो ये कार्बोनिल ग्रुप का जो एडजेसेंट कार्बन है उसको ही हम लोग अल्फा कार्बन बोल लेते हैं, और उसका जो हाइड्रोजन है वो एक्चुअली एसिडिक होता है नेचर में, क्योंकि वहाँ पर C डबल बॉन्ड O जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है। दिस कैन बी इजिली रिमूव्ड बाई अ बेस एंड द कार्बन ऑन
फॉर्म्ड इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। तो यहाँ पर जब एल्डोल में कोई भी बेस दिया जाता है जैसे कि NaOH या KOH जैसे दिया जाता है, तो ये बेस इजीली यहाँ पर से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है H प्लस को, और यहाँ पर कार्बन एनायन तैयार होता है जो कि इजीली रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होता है, और इसीलिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। तो ये स्टेटमेंट या रिएक्शन जानना जितना इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 3-hydroxypentanetone shows positive tolerance test। अब इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करें, पेंटन मतलब क्या, पांच कार्बन, तीन हो गया, चार हो गया, पांच। अब पेंटन टू ओन, तो यहाँ पर दो नंबर में कीटोन दे दिया, और थ्री में हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पर ओइस दे दिया, तो यहाँ पर आ गया आपका CH3। नेक्स्ट आ गया आपका CH2, यहाँ पर आ गया CH, और यहाँ पर CH3। तो ऐसे आपका ये आ गया, ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है, क्योंकि टॉलेंस कौन कौन देता है, टॉलेंस यहाँ पर देता है कोई भी एल्डिहाइड देता है या कोई भी कीटोन देता है, एल्डिहाइड या कीटोन में, सॉरी टॉलेंस टेस्ट यहाँ पर कीटोन नहीं देता, टॉलेंस टेस्ट सिर्फ यहाँ पर एल्डिहाइड देता है। तो टॉलेंस यहाँ पर क्यों दिया जाता है, टॉलेंस रिएजेंट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉट केपेबल ऑफ ब्रेकिंग द CC बॉन्ड इन कीटोन्स, इसीलिए कीटोन में टॉलेंस नहीं देखा जाता। दस कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट, इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू AG। तो इसीलिए यहाँ पर टॉलेंस जो रिएजेंट होता है, टॉलेंस टेस्ट जो होता है, ये देखा नहीं जाता। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि शोज पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, ये शोज पॉजिटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती कर दिया गया है। 3-hydroxypentanetone एक्चुअली, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, क्योंकि कीटोन है यहाँ पर, और कीटोन जब होता है तो कीटोन कभी भी टॉलेंस से ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो इसीलिए टॉलेंस टेस्ट जो है कीटोन नहीं दे सकता, क्योंकि वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करके AG का प्रेसिपिटेट जो है ये नहीं डाल सकता वहां पर, तो इसीलिए टॉलेंस टेस्ट यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन करेक्ट कर लेना। सेक्शन ए जो हो गया, अब सेक्शन बी, यहां पर पूछा गया अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द एमोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन अंडर नॉर्मल कंडीशन। क्लोरोबेंजीन को अगर एमोनोलिसिस किया जाए, मतलब एमोनिया देके ट्रीट किया जाए, तो एनिलीन क्यों नहीं तैयार होता। इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन द CCl बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में ऐसे बॉन्ड होता है, यहाँ पर ऊपर क्लोरीन होता है, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये वाला यहाँ पर जो बॉन्ड होगा, यही होता है CCl बॉन्ड। तो CCl बॉन्ड इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रेक एज इट एक्वायर्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने पर क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला यहाँ पर बॉन्ड होगा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तैयार करता है, या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है एक्वायर करता है, तो इसीलिए क्या होगा, ड्यू टू कॉन्जुगेशन लिखा है, यहाँ पर रेजोनेंस भी हो सकता है, सेम ही चीज है। सो अंडर नॉर्मल कंडीशंस एमोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन डज नॉट यील्ड एनिलीन, इसीलिए क्लोरोबेंजीन के साथ एमोनिया डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड को वो तोड़ नहीं सकता, तो इसीलिए एमोनोलिसिस नहीं होता है और एनिलीन तैयार नहीं होता। सिंपल रीजन है रेजोनेंस, जिसको कॉन्जुगेशन भी यहाँ पर बोला गया। नेक्स्ट, N-ethyl ethanamine boils at 329.3 केल्विन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन जितना इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और CBSE बोर्ड में खास करके बहुत सारा रीजन पूछता है, तो अच्छे से रीजन देख के जाना। तो N-ethyl ethanamine boils at 329.3 Kelvin and butanamine boils at 350.8 Kelvin, although both are isomeric in nature, दोनों का ही क्या होगा, isomeric मतलब क्या, isomeric मतलब फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का फॉर्मूला सेम है पर बॉइलिंग पॉइंट ऐसा अलग क्यों है, क्योंकि N ethyl ethanamine, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देख ले, N ethyl ethanamine, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया N ethyl ethanamine, तो यहाँ पर C2H5 हो गया, तो ये C2H5 हो गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन आ गया, मतलब ये NH ग्रुप आ गया, तो 2 डिग्री amine हो गया। तो प्राइमरी सेकेंडरी amines आर engaged इन इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। Due to the presence of 3 hydrogen atoms, the intermolecular association is more in primary amines than in secondary amine. क्यों? क्योंकि primary amine का structure होता है RNH2, यहाँ पर 2 hydrogen होता है,
सेकेंडरी एमिन का स्ट्रक्चर होता है आरएनए चार, यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन होता है, और टर्शियरी एमिन का या 3 डिग्री एमिन का स्ट्रक्चर होता है आरएनआर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्चुअली एमिन में ये जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन का, इससे भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और दो हाइड्रोजन से भी। तो यहाँ पर प्राइमरी एमिन में 3 चांसेस है, सेकेंडरी एमिन में 2 चांसेस है, और टर्शियरी एमिन में सिंगल 1 चांस है। तो इसीलिए हाइड्रोजन एटम जितना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना होगा, जो ब्यूटानेमीन है, ब्यूटानेमीन एक्चुअली क्या है, 1 डिग्री एमीन है, पर एन इथाइल इथानेमीन ये एक्चुअली सेकेंडरी एमीन है। तो सेकेंडरी एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड कम होता है, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया ब्यूटानेमीन के रिस्पेक्ट पे। अगर टर्शियरी होगा तो बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एसोसिएशन, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है दो तरीके का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर सी में बोला गया है, एसाइलेशन ऑफ एनिलीन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन में देके एसाइलेशन किया जाता है। अब ये एसाइलेशन या एसिटाइलेशन क्या होता है, एक्चुअली आपके पास एनिलीन होगा NH2, इसको आपने क्या किया, CH3COCl देके ट्रीट कर दिया, COCl, इसको ये एसाइलेशन बोला जाता है, या CH3CO2O ये देखे एसिडिक एनहाइड्राइड देखे, तो यहाँ पर एच और सीएल निकल जाएगा और NHCOCH3 जुड़ जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर ऐसे NH, CO और CH3 ऐसे जुड़ जाएगा, इसको ही एक्चुअली एसाइलेशन या एसिटाइलेशन बोला जाता है। इसमें पीरिडीन यूज क्यों होता है, ड्यूरिंग एसाइलेशन ऑफ एनिलीन स्ट्रॉन्गर बेस पीरिडीन इज एडेड, दिस डन इन ऑर्डर टू रिमूव द HCl, जो HCl यहाँ पर मैंने बोला कि तैयार होगा, सो फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कराने का मतलब है, जो ये NHCOCH3 मतलब एसिटेनिलाइड जो बना है, इसका नाम एसिटेनिलाइड होता है, वो ज्यादा से ज्यादा तैयार हो, तो इसीलिए HCl को रिमूव किया जाता है बाय मीन्स ऑफ पिरिडीन, तो इसीलिए पिरिडीन यूज होता है। कन्वर्शन दिया गया है, फिनॉल टू एन फिनाइल इथानेमाइड, क्लोरोइथेन टू मिथानेमीन और प्रोपेन नाइट्राइल टू इथानॉल। तो पहला जो है फिनॉल टू एन फिनाइल इथानेमाइड, तो फिनॉल ये है, जिंक डस्ट यहाँ पर दे दिया गया है, फिर हीट दे दो, तो OH ग्रुप जो है ZNO करके यहाँ पर निकल जाएगा, ZNO करके निकल जाएगा और हाइड्रोजन बचेगा, मतलब बेंजीन चला आया। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 जिसको मिक्स्ड एसिड भी बोला जाता है, तो मिक्स्ड एसिड इसको माँ भी बोल सकते हो, मिक्स्ड एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड माँ, माँ मतलब वो तरीके का माँ नहीं, यहाँ पर मिक्स्ड एसिड एक्चुअली। तो NO2 यहाँ पर चला आया, NO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमने दे दिया, यहाँ पर NH2 हो गया। अब ये यहाँ पर एक गलती कर दिया गया है, यहाँ पर NaNO2 HCl नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ पर होगा SnHCl, तो SnHCl एक्चुअली है, तो ये करेक्ट कर लेना। यहाँ पर SnHCl दे दोगे तो यहाँ पर ये आप दे सकते हो LiAlH4LH, या आप दे सकते हो FeHCl, ये सब अगर दे दोगे तो यहाँ पर NH2 चला आएगा, NO2 से रिड्यूस हो जाएगा, CH3COCl एसिटाइलेशन, पिरिडीन दिया दो, यहाँ पर NHCOCH3 मतलब एसिटेनिलाइड तैयार हो जाएगा। यही है एन फिनाइल इथानेमाइड, जिसका और एक नाम भी है एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड नाम बहुत सारे लोग सुने होंगे, पर एन फिनाइल इथानेमाइड ये इसका IUPAC नेम दिया गया है, तो ये अच्छे से यहाँ पर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बी नंबर यहाँ पर क्या है, क्लोरोइथेन 2 यहाँ पर मिथानेमीन, C2H5Cl, aqueous NaOH दे दिया, या KOH भी दे सकते हो, aqueous NaOH दे सकते हो या KOH, देने पर यहाँ पर OH आ जाएगा, NaCl या KCl निकल जाएगा, KMnO4 मतलब ऑक्सीडाइज कर दोगे यहाँ पर, और इसके साथ H3O+ आपने अगर दे दिया तो अल्कोहल को अल्टीमेट ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड आ जाएगा। यहाँ पर आपने K2Cr2O7 K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये भी दे सकते हो, ये भी उससे अच्छा होगा। NH3 और हीट आपने दे दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर से OH और यहाँ पर NH3 का एक H निकल जाएगा, HOH मतलब H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर CONH2Amide आ जाएगा, Br2KOH, ये Hoffman डिग्रेडेशन है, Hoffman, तो Hoffman डिग्रेडेशन से आप करोगे तो यहाँ पर कीटोन जो है ये C डबल बॉन्ड हो ये रिमूव हो जाएगा यहाँ पर, और CH3NH2 यहाँ पर बच जाएगा, तो ऐसे करोगे तो यहाँ पर क्लोरोइथेन टू मिथानेमीन ये बन जाएगा। नेक्स्ट प्रोपेन नाइट्राइल मतलब CH3CH2Cl, तीनों मिला के यहाँ पर 3 कार्बन है, इथानल
तो कार्बन नंबर को डिक्रीज करना है, मतलब एसिटाइल डिहाइड, इथेनॉल का और एक नाम है एसिटाइल डिहाइड, इंडस्ट्रियल नेम। तो एस्ट्रियो प्लस आपने दे दिया यहाँ पर, तो सीओ एन एच टू यहाँ पर तैयार हो जाएगा, फिर बी आर टू एन एच यहाँ पर हमने दे दिया, तो सी एच टी सी एच टू एन एच टू, क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है ये रिमूव हो जाएगा हॉफमैन डिग्रेडेशन, एमीन में खास करके हॉफमैन डिग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एच एन ओ टू दे दिया यहाँ पर ग्रेटर देन 278 केल्विन, एक्चुअली आपने दे दिया तो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, मतलब एन एच टू से ओ एच हो जाएगा। और पी सी सी मतलब पीरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, उसको अगर दे दोगे तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा और पार्शियल ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एन आई एच टू होल सिक्स टू प्लस, इसका एक्वा सॉल्यूशन है, ये ग्रीन इन कलर होगा, वेयर एज एन आई एच टू होल फोर ई एन टू प्लस, इसका भी एक्वा सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर में होगा, क्यों? इसका रीजन देना पड़ेगा, द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लाइगेंड एंड डी डी ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस। ये जो टाइप ऑफ लाइगेंड और डी डी ट्रांजिशन, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट अगर नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर एच टू ओ होल सिक्स दिया गया है, जो कि एक वीक फील्ड लाइगेंड है, व्हिच कॉजेस स्मॉल स्प्लिटिंग लीडिंग टू द डी डी ट्रांजिशन कोरस्पॉन्डिंग ग्रीन कलर, हाउएवर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ई एन, जो कि सेकेंड में प्रेजेंस है, ई एन मतलब इथिलीन डायमीन, विच इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, द स्प्लिटिंग इज इंक्रीज्ड, और भी डी को ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट कर देगा ड्यू टू द चेंज इन टी टू जी एंड ई जी स्प्लिटिंग, द कलरेशन ऑफ द कंपाउंड चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू। ये टी टू जी और ई जी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आता है, अगर ये इसके बारे में डिटेल में जानना है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं यहाँ पर कुछ भी डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ रीजन जो है एग्जैक्ट वो बोल दे रहा हूँ। अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का या वीवीटी का कोई भी वीडियो अगर चाहिए तो सजेशन में या कॉमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, उसका वीडियो मैं बना दूंगा। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, अच्छा यहाँ पर ग्रीन टू ब्लू ये चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन, तो इसका फॉर्मूला बोलना गया है लिखने को, ट्रिस इथेन वन टू डायमीन कोबाल्ट थ्री सल्फेट, तो फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, इथेन वन टू डायमीन मतलब इथिलीन डायमीन, जिसको ई एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर ई एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एन एच टू सी एच टू सी एच टू सी एन एच टू होता है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो जीरो होता है। ट्रिस दिया गया है इसीलिए नीचे थ्री, और यहाँ पर कोबाल्ट दिया गया है तो कोबाल्ट, और यहाँ पर थ्री सल्फेट तो सल्फेट में यहाँ पर तीन, तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे कोबाल्ट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपने एक्स पकड़ लिया प्लस इथिलीन डायमीन का, तो तीन इंटू जीरो होगा, थ्री इंटू जीरो होगा, और यहाँ पर होल टू है तो ये टू एक्स हो जाएगा, और ये थ्री इंटू जीरो में भी टू इंटू हो जाएगा, इक्वल टू एसओ फोर होल थ्री, मतलब माइनस टू करके एसओ फोर होता है और इंटू थ्री होता है, इसको अगर करोगे तो टोटल का जीरो आ जाएगा, तो आपका एक्स इक्वल टू आपका थ्री आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये पार्ट पूरा कट जाएगा और यहाँ पर सिक्स आ जाएगा, तो ये एक्स इक्वल टू प्लस थ्री आ जाएगा, जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बोलने को बोला है, ये डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन में है, क्योंकि यहाँ पर इथिलीन डायमीन है और इथिलीन डायमीन एक बाइडेंटेड लाइगेंड है, बाइडेंटेड लाइगेंड है, और ये बाइडेंटेड लाइगेंड है इसीलिए यहाँ पर होल थ्री मतलब तीन इथिलीन डायमीन है, तो मतलब एक बाइडेंटेड लाइगेंड दो बॉन्ड कर सकता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, टू इंटू थ्री, तो इसका मतलब सिक्स, और सिक्स जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही होता है, तो इसलिए डी टू एस पी थ्री, एस पी थ्री डी टू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इथिलीन डायमीन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगा और पिछला जो यहाँ पर डी है वो वेकेंट हो जाएगा, उसका ही और दिया गया है, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज इतना, तो यहाँ पर टी टू जी थ्री और ई जी वन दिया गया है, इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर एज द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स, देखो यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन जो है टी टू जी ऑर्बिटल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन चार नंबर ये ई जी में घुसा है, एंटर्स वन ऑफ द ई जी ऑर्बिटल्स गिविंग द कॉन्फिगरेशन टी टू जी थ्री और ई जी वन, विच इंडिकेट्स डेल्टा ओ लेस देन पी, पी मतलब यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी होता है, जानते ही हो पेयरिंग एनर्जी होता है, और डेल्टा ओ मतलब सी एफ ए सी क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या स्टेबिलाईजिंग एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा ओ जो है पी से कम है तो इसीलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, जैसे कि यहाँ पर देख ही सकते हो कि पांच एक दो तीन चार
तो यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन है फ्री मेटल आयन, ये एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होकर ये चार जो इलेक्ट्रॉन है ईजी और टी टू जी में स्प्लिट कर गया। ईजी जो होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है और टी टू जी का एनर्जी कम होता है, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है। ईजी मतलब डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, और डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को एक्चुअली क्या बोला जाता है, टी टू जी बोला जाता है। तो देख ही सकते हो यहाँ पर अगर ऐसा तीन इलेक्ट्रॉन सिंगल पेयर में ऐसे घुसे और चार नंबर इलेक्ट्रॉन वो भी सिंगल पेयर में ऊपर चला है तो ये हो जाएगा क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एक्चुअली वीक फील्ड लाइगेंड देता है। तो मतलब यहाँ पर जो लाइगेंड है ये भी क्वेश्चन कर सकता है, तो वो होता है क्या, वीक फील्ड लाइगेंड यहाँ पर होता है। अगर यही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बोला दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार नंबर जो इलेक्ट्रॉन है ये नीचे चला आएगा और ईजी का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे करोगे तो यहाँ पर टी टू जी और ईजी का हाई स्पिन या लो स्पिन आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन सिंगल स्पिन में है और चार नंबर भी इलेक्ट्रॉन सिंगल स्पिन में ईजी में घुस चुका है, तो इसीलिए इसको क्या बोलोगे, हाई स्पिन। अगर ऐसा होगा कि नीचे टी टू जी पूरा फिल हो गया फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ईजी में जाया तो वो हो जाएगा क्या, लो स्पिन, और वो करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइन। तो ऐसे करोगे तो यहाँ पर से ये आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 2 और 3, क्यों, क्योंकि टाइटेनियम जो है हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3d2 4s2, क्योंकि टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 22 होता है। Ti4 इज मोर स्टेबल एज Ti4+ एक्वायर्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑन लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देख ही सकते हो यहाँ पर अगर चार इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो सिर्फ आर्गन बचता है, तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ही Ti4+ का होता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बी में क्या पूछा गया है, इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डीएफ ब्लॉक से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन अ गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विच इन विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जितना इंक्रीज हो जाएगा उतना ही जो सेम चार्ज उतना ही जितना रेडियस होगा वो डिक्रीज किया जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट में, क्यों, क्योंकि इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन अ गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एज द यहां पर से आंसर स्टार्ट होता है, एज द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ डी ऑर्बिटल ईच टाइम द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय यूनिटी 1, मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो न्यूक्लियर चार्ज एक करके बढ़ जाता है। द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ अ डी इलेक्ट्रॉन इज नॉट दैट इफेक्टिव, तो शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट SPDF ऐसा होता है, तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है SPDF होता है, और SPDF में ये जो S है इसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। हेंस द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। तो यहाँ पर हम लोग बोल ही सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर हो जाएगा वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, जो इंक्रीज कर जाएगा, तो इसीलिए आयनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर सी, जिंक इज कंपेरेटिवली अ सॉफ्ट मेटल, आयरन एंड क्रोमियम आर टिपिकली हार्ड, क्यों, आयरन और क्रोमियम आर हैविंग हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना ही एटमाइजेशन का एंथैल्पी ज्यादा होगा, विच अकाउंट्स फॉर देयर हार्डनेस। जिंक इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जिंक में सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि जिंक का जो कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है आर्गन 3d10 और 4s2, तो इसीलिए जिंक कंपैरेटिवली सॉफ्ट होगा। तो जितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो सॉफ्ट होगा, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो हार्ड होगा, इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, तो अच्छे से देख लेना। एन एल्कीन एक फॉर्मूला दिया गया है C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स बी एंड सी। तो जो C5H10 यहाँ पर कंपाउंड दिया गया है वो एक्चुअली ये होगा, यहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CCH3 होल्ड। यहाँ पर ओजोनोलिसिस अगर कर दो तो इसमें दो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड जो B होगा और कंपाउंड जो C बनेगा। तो यहाँ पर कंपाउंड यहाँ पर से तोड़ दो, ओजोनोलिसिस का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, जाके देख सकते हो यहाँ पर।
तो CH3CHO और CH3COCH3 ये आपका दो कंपाउंड आ जाएगा। अब बोला गया है कि कंपाउंड बी गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, ये ऑब्वियस बात है क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो टॉल फेलिंग टेस्ट देगा, एंड ऑल्सो फॉर्म्स आयोडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विथ I2NOH, तो एसिटाल्डिहाइड आयोडोफॉर्म देता है तो येलो प्रेसिपिटेट तो ये हो जाएगा। एंड कंपाउंड सी डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट क्योंकि ये कीटोन है, ये कीटोन है तो ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, बट फॉर्म्स आयोडोफॉर्म क्योंकि इसमें कीटोमिथाइल ग्रुप है। आयोडोफॉर्म कौन कौन देता है, आयोडोफॉर्म देता है एल्कोहल, आयोडोफॉर्म देता है एल्डिहाइड और आयोडोफॉर्म देता है कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में जिसके अंदर भी CH3CO ग्रुप होगा वो आयोडोफॉर्म देता है, और एल्कोहल के अंदर जिसके अंदर भी CH3CHOH ग्रुप होगा वो एक्चुअली आयोडोफॉर्म देगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन के अलावा कोई भी आयोडोफॉर्म नहीं देता है। एल्डिहाइड कीटोन के अंदर CH3CO मतलब कीटोमिथाइल ग्रुप होगा तब जाके देगा, एल्कोहल के अंदर CH3CHOH ग्रुप होगा तब जाके देगा। तो ये एल्डिहाइड है ये देगा, इसके अंदर कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी कीटोन है ये भी देगा, इसके अंदर भी कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। आइडेंटिफाई ABC, तो यहाँ पर बोला गया है राइट द रिएक्शन ऑफ ओजोनोलिसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। तो ये इसका रिएक्शन है CH3CHO के साथ, ये जो 2Cu2+ और 5OH- है ये फेलिंग है एक्चुअली, ये फेलिंग है, तो फेलिंग का दोगे तो ये CH3COOH- मतलब एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और रेड PPT चलाएगा, कीटोन में नहीं होगा। एल्डिहाइड में आयोडोफॉर्म 3I2+3NOH, ये CHI3 येलो प्रेसिपिटेट और कीटोन में भी प्रेसिपिटेट पड़ जाएगा। तो ऐसे करोगे तो ये ABC आप ऐसे लिखोगे और ये सब रिएक्शन दोगे तब जाके ये नंबर आपको मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में चले आते हैं। एक फिगर दिया गया है यहाँ पर, जहाँ पर देख ही सकते हो यहाँ पर एनोड और यहाँ पर कैथोड दिया गया है, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, वाटर का इनलेट दिया गया है, सॉल्ट पार्टिकल, क्रिस्टलॉइड, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सब दिया गया है। विच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ये सेम डायग्राम है NCERT में। कैन द सेम प्रोसेस ऑकर विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो इसका आंसर क्या होगा। इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसमें एप्लीकेशन क्या है, कोलॉइड को प्यूरिफाई कर किया जाता है और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा भी यूज किया जाता है जिसको डायलिसिस बोला जाता है, बट ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है क्योंकि उसका स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। व्हाट हैपेंस व्हेन, यार रिएक्शन दिखना पड़ेगा। एनिथाइल इथानामिन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो एनिथाइल इथानामिन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो एनिथाइल इथानामिन रिएक्ट करेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ तब जाके NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड ये तैयार हो जाएगा। अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और एनिथाइल इथानामिन इसका अगर हम लोग देख ले, तो यहाँ पर C2H5, यहाँ पर C2H5 ऐसे दे दिया और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl ये आपका दे दिया यहाँ पर, तो ये HCl वाला पोर्शन निकल जाएगा और ये पूरा जो है ये चीज जुड़ जाएगा जिसका नाम NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड तैयार हो। बेंजाइल क्लोराइड मतलब बेंजीन के ऊपर CH2Cl इज ट्रीटेड विद एमोनिया फॉलोड बाई द रिएक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन, तो बेंजाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एमोनिया तो बेंजाइल एमीन तैयार होगा, जैसे कि यहां पर देख ही सकते हो ये बेंजाइल क्लोराइड है, इसके ऊपर आपने अगर एमोनिया दे दिया मतलब NH2 और H, तो HCl निकल जाएगा और ये NH2 घुस जाएगा, तो बेंजाइल एमीन तैयार होगा। विच ऑन रिएक्शन विद क्लोरोमीथेन यील्ड्स अ सेकेंडरी एमीन, क्लोरोमीथेन का मतलब क्या है, क्लोरोमीथेन CH3Cl, तो यहाँ पर से और एक HCl निकल जाएगा और ये CH3 घुस जाएगा, तो इसको N मिथाइल बेंजाइलामिन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट एनिलीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको फिनाइल आइसोसाइनाइड बोला जाता है, फिनाइल आइसोनाइट्राइल भी बोला जाता है और इसका एक नाम है कार्बिल एमिन रिएक्शन, कार्बिल एमिन रिएक्शन। कोई भी 1 डिग्री एमिन जब KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ और CHCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो आइसोसाइनाइड तैयार करेगा, तो यहाँ पर एनिलीन बोला गया है, ये एक 1 डिग्री एमीन है, इसके साथ 3 KOH
प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये अगर ले लोगे यहाँ पर तो बेंजीन के ऊपर NC आ जाएगा, जो प्राइमरी एमीन लिया है उसका ही आइसोसाइनाइड बन जाएगा, 3KCl हो जाएगा प्लस 3H2 हो जाएगा। तो ऐसे करोगे तो ये आइसोसाइनाइड तैयार हो जाएगा। यहाँ वो सब क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ वहाँ पर बोलना होगा। IUPAC नेम यहाँ पर बोला गया है, इसका IUPAC नेम क्या है? तो IUPAC नेम क्या है इसका, राय है एन इथाइल एन मिथाइल बेंजीनामिन और एन इथाइल एन इथाइल एनमिन, तो ये इसको नाम तुम बोल सकते हो। नेक्स्ट C6H5NO2 SnHCl दिया गया है, तो C6H5NO2 मतलब बेंजीन के ऊपर NO2 SnHCl दोगे तो रिडक्शन होगा, तो NH2 आ गया। नेक्स्ट Br2H2 दे दिया तो तीनों तरफ यहाँ पर ब्रोमीन घुस जाएगा, NNO2HCl दे दोगे तो N2Cl तैयार हो जाएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस लिखना पड़ेगा। HBF4 दे दोगे तो यहाँ पर हीट दिया गया है तो यहाँ पर N2 निकल जाएगा और BF3 निकल जाएगा, इसको बोल्ट्जमैन रिएक्शन भी बोल सकते हो। तो बोल्ट्जमैन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर फ्लूरोबेंजीन एक्चुअली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, द वैल्यू ऑफ E0 फॉर द सेल इज, या तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सेल। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पर AL से Al3+ यहाँ पर तैयार हो चुका है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कैथोड में 3CD2+ यहाँ से 3CD तैयार हो जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लग जाएगा। एनोड में 2Al, एरो देखे 2Al3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएगा। तो ये कैथोड हुआ क्योंकि यहाँ पर आयन लेफ्ट में है और ये एनोड हुआ क्योंकि आयन जो है राइट में है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, कैथोड जो होगा कैथोड को ऐसे तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो और एनोड को ऐसे तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैथोड जो है ये CD2+ यहाँ से CD बनाएगा और दो यहाँ से वर्टिकल लाइन खींच के एनोड जो है AL से Al3+ ऐसे तैयार कर जाएगा। तो यही होगा सेल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट द सेल मतलब ये सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हमने दे दिया। अब यहाँ पर जो चीज है, यहाँ पर मोलर कंसेंट्रेशन दिया गया है, तो Al3+ का मोलर कंसेंट्रेशन यहाँ पर लिख दो 0.01 मोलर और CD2+ का मोलर कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर। तो ऐसे करोगे तो आपका सेल रिप्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा और यहाँ पर देख ही सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर से देख सकते हो 6 यहाँ पर है और यहाँ पर एक चीज दिया गया है ऊपर E0 सेल का वैल्यू दिया गया है और E सेल का वैल्यू निकालने को बोला है, तो ये नॉन स्टिक्वेशन का एक्चुअली न्यूमेरिकल है। तो E0 सेल का जो वैल्यू है, E0 सेल का जो वैल्यू है यहाँ पर 1.260 इसको बोला गया है और ये तो टोटल सेल रिएक्शन आपके पास है। तो इसको अगर नॉन स्टिक्वेशन में हम लोग यहाँ पर डाल दें तो नॉन स्टिक्वेशन एक्चुअली क्या होता है, ई सेल इक्वल टू E0 सेल जिसका वैल्यू दिया गया है -0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अब ये प्रोडक्ट क्या होगा, सीडी है और Al3+ है जिसमें से आयन ही हम लोग लेंगे सिर्फ Al3+, उसका जो है ऊपर में स्क्वायर जाएगा क्योंकि मोल नंबर जो होता है वो स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पर CD2+ जो होता है CD2+ उसका ऊपर में क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो ई सेल इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, E0 सेल का वैल्यू होता है 1.260 -0.059 बाई एन मतलब 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख ही सकते हो 6 दिया गया है, 6 इंटू लॉग Al3+, Al3+ का कंसेंट्रेशन दिया गया है 0.01 उसका स्क्वायर और CD2+ का कंसेंट्रेशन दिया गया है 0.1 उसका स्क्वायर। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे आपका जो ई सेल है वो जो यहाँ पर पूछा गया है वो इजीली आपका चला आएगा। तो ई सेल इक्वल टू 1.269 वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर फ्लूराइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स मोर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट।
द एबिलिटी ऑफ फ्लोरिन टू स्टेबिलाईज द हाइस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एट्रीब्यूटेड टू द हायर लैटिस एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है तो इसीलिए ये स्पेसिफिक टर्म ही यूज करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर बी 11B. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड फील अट्रैक्शन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. मतलब अट्रैक्शन फील करेगा मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा. और पैरामैग्नेटिक किसके अंदर होगा? पैरामैग्नेटिक वही होता है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा. CO2 प्लस का कॉन्फिगरेशन अगर आप ड्रॉ करो तो वो देखोगे कि उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. सो इट वुड बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर. हेंस CO2 प्लस आयन वुड बी अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड. बाकी जो यहाँ पर दिया गया है Ag प्लस Ti4 प्लस Zn2 प्लस ये सभी डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें सभी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. क्वेश्चन नंबर सी. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हायर देन दैट ऑफ 3D एंड 4D सीरीज. वाई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 5D सीरीज हैव इंटरवेनिंग 4F ऑर्बिटल इसके बीच में होता है. देयर इज ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन. क्योंकि मैंने बोला जो S, P, D और F शील्डिंग इफेक्ट में सबसे वीक होता है एक्चुअली F ऑर्बिटल. Hence, first ionization energy of 5D series of transition elements are higher than that of 3D and 4D series. तो ये जो reason वाला जो question है, CBSE board का एक खासियत है, उसमें reason बहुत पूछा जाता है, तो बहुत important चीज़ है. यहाँ पर DF block से again एक question दिया गया है, यहाँ पर एक figure दिया गया है, why manganese has lower melting point than chromium. यहाँ पर देख ही सकते हो कि manganese जो है, वो उसका melting point chromium से ज़्यादा क्यों है? लो क्यों है? क्योंकि क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है. आगे जाके देखेंगे. Why do transition metals of 3D series have lower melting point as compared to 4D series? और इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो ऊपर में है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ मेटल विथ हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट. तो हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट में W यहाँ पर देख सकते हो. तो पहला जो क्वेश्चन था, मैंगनीज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू क्रोमियम एज इट हैज हाइस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्योंकि मैंगनीज जो होगा क्रोमियम में हाइस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. इसका अगर कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करो 4s1 3d5 और यहाँ पर आर्गन, तो आर्गन 3d5 4s1 इसका होगा. वही यहाँ पर अगर मैंगनीज का हम लोग देख ले, आर्गन 3d5 4s2 ये आपका हो जाएगा. तो इसीलिए क्या होगा, जिसका मैंगनीज जो होगा उसका क्रोमियम से लो मेल्टिंग पॉइंट होगा. क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और उतना हार्ड होगा. स्ट्रॉन्ग इंटरएटमिक मेटल बॉन्डिंग हेंस नो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो मैंने बोला, देयर इज मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ द हेवी ट्रांजिशन मेटल्स दैट इज 4D और 5D सीरीज विच अकाउंट्स फॉर द लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D सीरीज. तो इसीलिए यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्डिंग जो होता है वो फ्रीक्वेंट होता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है. और W का नाम क्या है? W का नाम है टंगस्टेन. बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टंगस्टेन का फिलामेंट यूज होता है बल्ब में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है. अब यहाँ पर एक सेक्शन दिया गया है जो सेक्शन सी है और लास्ट वाला सेक्शन है. तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके. तो ये मैंने यहाँ पर पूरा रीड करके रखा है और क्वेश्चन भी सॉल्व करके रखा है, तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पर बोल दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. वाई कार्बन 14 रेडियोएक्टिव इज रेडियोएक्टिव व्हाइल कार्बन 12 इज नॉट. क्योंकि कार्बन 14 जो होता है, कार्बन 14 और नीचे 6 और कार्बन 12 नीचे 6, तो यहाँ पर अगर देखो तो रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन मतलब n बाई p अगर रेशियो इसका निकालो, यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन जो होगा वो 8 निकलेगा क्योंकि 14 माइनस 6 होगा. अब प्रोटॉन जो होगा यहाँ पर 6 निकलेगा और यहाँ पर क्या होगा 6 और 6 निकलेगा. तो इसका आज अगर रेशियो करोगे 6/6 मतलब 1:1 आ जाएगा, पर इसका नहीं आएगा, ये 2.3:1 आ जाएगा. तो इसीलिए क्या होगा, कार्बन 14 जो होगा वो रेडियो एक्टिव होगा क्योंकि उसका रेशियो जो है 1:1 नहीं है इसीलिए. क्वेश्चन नंबर बी. रिसर्चर्स हैव अनकवर्ड द यंगेस्ट नोन डायनासोर बोन डेटिंग अराउंड 65 मिलियन ईयर्स एगो. हाउ वॉज द एज ऑफ द फॉसिल एस्टिमेटेड. कैसे कोई भी चीज का, ऐसे पुराना चीज का, फॉसिल का एज डिटरमाइन किया जाता है? यहाँ पर पैराग्राफ में दिया है, मैंने यहाँ पर बोल दिया कि एस्टिमेटेड बाय C14 डीके. इसको रेडियो कार्बन डेटिंग भी बोला जाता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव C14 व्हिच डीकेज विदाउट बीइंग रिप्लेस्ड बैक वंस द ऑर्गेनिज्म डाइज. क्योंकि C14 का जो अमाउंट होता है वो एक्चुअली उतना
ज्यादा डिफर नहीं करता क्योंकि उसका हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होता है, रेडियो एक्टिव होता है. विच आर द टू मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव डिकेज हैपनिंग इन ह्यूमन बॉडी? कार्बन 14 एटम्स डिके टू स्टेबल नाइट्रोजन एटम्स एंड पोटेशियम 40 एटम डिकेज टू स्टेबल कैल्शियम एटम. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो ह्यूमन बॉडी में एक्चुअली होता है. चार नंबर, सपोज एन ऑर्गेनिज्म हैज 20 ग्राम ऑफ कार्बन. तो एक ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ पर 20 ग्राम ऑफ कार्बन, जिसका कार्बन 14 प्रेजेंट है एट इट्स टाइम ऑफ डेथ, जो डेथ के टाइम पे प्रेजेंट है. अप्रोक्सीमेटली हाउ मच कार्बन 14 रिमेन्स आफ्टर 10,320 ईयर्स, मतलब इतना साल बाद क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ 0.1517 इक्वल टू 3.289. तो ये न्यूमेरिकल जो है ये हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर. तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, 20 ग्राम है तो इसका एक फॉर्मूला एक्चुअली होता है T इक्वल टू 2.303 बाई K लॉग N0 बाई NT. ये फॉर्मूला होता है जहां पर T जो होता है वो टाइम होता है. अब ये टाइम क्या दिया गया है, 10,320 ईयर्स इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K. अब ये K एक चीज होता है यहाँ पर, K यहाँ पर एक चीज होता है. यहाँ पर दिया गया है सपोज एन ऑर्गेनिज्म 20 ग्राम और यहाँ पर के इक्वल टू एक्चुअली होता है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ. टी हाफ क्या होता है, हाफ लाइफ होता है. कार्बन 14 का हाफ लाइफ पैराग्राफ में दिया गया है, कार्बन 14 का हाफ लाइफ एक्चुअली 6000 ईयर्स है, 6000 साल यहाँ पर दिया गया है. तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर के जगह पे रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 0.693 इंटू 6000 इंटू लॉग N0 मतलब 20 ग्राम और NT मतलब इसको ही हमको निकालना पड़ेगा. तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर है NT इक्वल टू एंटी लॉग लेके 6.17 ग्राम ये निकल जाएगा एंटी लॉग लेके कैलकुलेशन अगर करोगे. तो ये वाला न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होता है जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला होता है, वही सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर देखा गया है. नेक्स्ट इसका ही और में और एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया गया है. अप्रोक्सीमेटली हाउ ओल्ड इज अ फॉसिल विथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 14 इफ इट इनिशियली पोजेस्ड 32 ग्राम ऑफ कार्बन, मतलब इनिशियली वही सेम चीज है, 32 ग्राम इनिशियली कार्बन है तो यहाँ पर कितना उसका एज होगा या कितना उसका एज होगा, मतलब कितना साल पुराना वो होगा. तो यहाँ पर एक चीज हम लोग देख लेते हैं जो लोग जो हम पहले ही जानते हैं कि T इक्वल टू वही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला 2.303 बाई K लॉग, जो सेम तरीके से ही ये सॉल्व होगा. तो यहाँ पर T को निकालने को यहाँ पर बोला है और T को निकालने को बोला है वही सेम प्रोसेस 2.303 बाई 0.693 इंटू 6000 जो मैंने ये बोला कि कैसे आएगा इंटू लॉग N0. अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है इनिशियली 32 ग्राम तो N0 जो है 32 ग्राम डिवाइडेड बाई 12 ग्राम. तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका टाइम जो है इजीली चला आएगा. तो ये टाइम जो है ये आपका आ जाएगा 8494 ईयर्स. तो ऐसे करोगे तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ पर ये पूरा CBSE टर्म 2 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था जो मैंने पूरा इस वीडियो में सॉल्व कर दिया. तो अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो ये वीडियो को एक लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल में अगर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.